अकीदत लोगों की पहचान है। आप यहाँ पे देखें, ये लोगों सोहेल कहाँ जा रहे हो? दाता साहब के पास जा रहे हैं। उची उचिया तू तेरी रात दाता तेरे कर्म उत्ते आशा ला बैठा होवे कर्म तेरा बन जाए बात दाता चौखट मल्ली तेरी बन गई गल मेरी वरना का दिए मेरी औकात दाता जे ना करदा तू कर्म जमील उते तेन पुछनी सी मेरी बात दाता तू अइब ने अली पंज तंदी काली तेरा वलिया च उठाए मकान हजवेरी तेनू लखा ने सलाम दाता हजवेरी तेनू लखा ने सलाम अली हजवेरी तेनू लखा ने सलाम दाता साहब के पास। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त कहाँ गायब हो गए? मेरे दोस्त आ रहे हैं अभी, उनके साथ चलते हैं। मैं जर्नली चलिए यार तीन चार वो हमारा मंजिल है दाता शहर के पास। Thank you.
पहुंचे। ये आप देख सकते हैं, अभी ये गली में हम एंटर हुए थे, तो मेन ये इतना बड़ा देख, माशाल्लाह ये लोग सारा कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट से लेना देना वगैरह नहीं है, लोग अपनी अकीदत में। लोग ये दादा साहब का, दादा दरबार का जो है वो बिल्कुल उसके साइड वाले रोड पे आ गए। आप यहाँ रश देख सकते हैं, मेन रास्ता आउट है। ये आप देखें कलरफुल खूबसूरत, ये प्रोजेक्ट भी हमें मिला था जो से हमने डिज़ाइन करना था, लेकिन एक आर्किटेक्चर से हमें यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये जगह दी गई थी, लेकिन जो हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। ये आप देखें वगैरह देख सकते हैं कि एक टाइम में इतने ज़्यादा ये देखें, आप ये देख सकते हैं। ये दरअसल रास्ते वगैरह बंद हैं क्योंकि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, तो वो मेन रास्ता ही खुला है, तो हम मेन रास्ते की तरफ ही जाएँगे। दादा दरबार की जो साइट है वो खुद बड़ी है, बिल्कुल दरमियान में कोर्ट यार्ड है, और उसके बाद जहाँ पे दादा साहब का मज़ार है वहाँ पर भी जगह है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बंद है, बिल्कुल बंद है, और ये डेक वगैरह पकाया हुआ है, और लोगों का औरतों का अलग रास्ता है, मेल वगैरह हैं उनका अलग रास्ता है, लोग खाना वगैरह खा रहे हैं जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं। अभी हम ये फिर मेट्रो का पुल है, और उसके सामने बिल्कुल दादा दरबार का मेन गेट है, वो जहाँ पहले हम थे वो इसके साइड वाली गली थी, जिसमें लोग वगैरह जितने भी थे उन्होंने मतलब देखे वगैरह पकाई हुई थी, और जितने भी पीर वगैरह थे मुझसे थे तो वहाँ पे बैठे हुए थे, और उनके मुरीद उनके अर्द-गिर्द बैठे हुए थे। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से दादा दरबार को देखने के लिए, या दादा दरबार के उर्स हो या के जुमरात का दिन हो, तो हर जगह से लोग आते हैं। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, वो पहली तो भैया आप माशाल्लाह यहाँ लोगों की स्टैंड देखें, रश देखें, हेलो ये लाइन लगा हुआ है, यहाँ डेक वगैरह बट रहे हैं, ये सारा लाइन है, ये लोग यहाँ खाने के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको खाना वगैरह मिले, और यहाँ सबको खाना मिलता है, सबको मतलब दादा दरबार के मुरीद इतना खाना यहाँ पे देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, मतलब आप हर जगह देखें, हर जगह डेक वगैरह है, देखिए यहाँ पर भी बच रहा है, आगे भी है, ये लाइन है बिल्कुल यहाँ खाने के लिए, अलग अलग लोग हैं जो बेच रहे हैं यहाँ पर, हर कोई आता है अपनी अतिया के मुताबिक लोगों के लिए खाना वगैरह देते हैं, या देखें यहाँ पे आर्डर वगैरह देते हैं और फिर उनको खाना मिल जाता है। ये दादा दरबार है, ये देखें यहाँ इधर से ये मेन जगह है, यहाँ बिल्कुल रश है, तो मैं मोबाइल अभी थोड़ा बंद करता हूँ, थोड़े से सेफ जगह पे आके फिर एंटर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सख्त है।
और ये जो एंटर होने का रास्ता है वो बहुत दूर का है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो रेफरेंस वाले लोगों को भेज रहे हैं, हमें तो बड़ा मुश्किल से भेजेंगे। ये देखिए आप, फिलहाल हम चलते हैं, जितना आपको आज नज़ारा हमने दिखाना।